शुक्रवार शाम नूं जदों बीएसएफ दे जवानां ने अटारी वाघा सरहद ते परेड कीती तां दर्शकां दा उत्साह देखदे ही बनदा सी। तकरीबन डेढ़ साल बाद फिर तो देश भगती दे नारियां नाल फिजा गूंजी, क्योंकि लंबी पाबंदी हटी सी। हुण लोक अमृतसर च इस अटारी सरहद ते नित बीटिंग द रिट्रीट सैरेमनी नूं इउं ही देख सकणगे। बीते साल 12 मार्च नूं बैन लाया गया सी कि दर्शक सेरेमनी नहीं देख सकते, पर हुणे पाबंदी हटा दित्ती गई है। हालांकि अजे भी सिर्फ 300 लोकां नूं ही मंजूरी मिलेगी। बहुत अच्छा लगा, हम कल वैष्णो देवी के जाके आए थे, शाम को पता किया कि बॉर्डर खुल गया और परेड वरेड होगी, तो रात को रुके परेड देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा। हाँ, काफी लंबे समय के बाद खुली है, लेकिन जो अपने सैनिक है उनका उत्साह बहुत अच्छा करने का, मतलब लोगों में जज्बा बढ़ने वाला उत्साह था। घटो घट डेढ़ दो साल बाद मेरे ख्याल खुली है जी, बहुत बढ़िया लगा वेख के। नहीं नहीं जी, मेरा ख्याल सारा कुछ ही खोल देना चाहिए, सारे आम जनता भी जान देना चाहिए अंदर जी। सारे लोग कोरोना दी हिदायतां दा पालन करदे हुए आनंद लै रहे सी सरमनी दा, सो काफी अच्छा लगा जी। इत्थे जी मेरे हिसाब दे नाल सरकार नूं नियत कर देना चाहिए आ कि इन्ने लोग पर डे देख सकदे आ, क्योंकि कोरोना दी हिदायतां दा पालन करना भी बहुत जरूरी है। सो उन्हां दे अनुसार लोकां नूं आउण दी आग्या देनी चाहीदी है। आखिर वो केड़े 300 लोग होंगे जिन्हां नूं बीटिंग दे रिट्रीट सैरेमनी देखण दा मौका मिलेगा, किवें इन्हां दी चोण होया करेगी इह वी जाण लवो। तां कल तों रजिस्ट्रेशन जिहड़ी किसी ने अंदर जाणा होवे तां रजिस्ट्रेशन करवाउणी होवे तो उसदे लई बीएसएफ वल्लों अपने हैडक्वार्टर खालसा विखे इक नंबर जारी कीता जाएगा। उस नंबर दे उत्ते जो भी रजिस्ट्रेशन कराएगा, पहला रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसदे तहत जिहड़े 300 पहले व्यक्ति जिहड़े होणगे, जिहड़ा पहला आएगा पहला पाएगा, उसके तहत उन्हां दी रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी। उन्हां दी रजिस्ट्रेशन होएगी तो उन्हां नूं ही इत्थे बीटिंग रिट्रीट सैरेमनी देखने की इजाजत मिलेगी। अगले दिनों दे विच इह जिहड़ी संख्या होर वध सकती है। बहुत सारियां गल्लां अजे बीएसएफ वालों जदों बकायदा नोटिफिकेशन अगले दिनों दे विच जारी कीता जाएगा उसके विच बहुत कुछ होर भी क्लीयर होवेगा। अटारी वाघा सरहद ते हर शाम बीटिंग दी रिट्रीट सैरेमनी हुंदी है। सब तो पहला 1908 दे विच इस सैरेमनी की शुरुआत हुई सी। सूरज अस्त होने वेले झंडे नूं उतारन की प्रक्रिया वेले इस सैरेमनी हुंदी है। परेड के दौरान जवान पैर सिर तक उपर चुकते हैं। सैरेमनी का मकसद दोवां मुल्कां दे दरम्यान सहयोग का माहौल बनाए रखना हुंदा है। दर्शक गैलरी के अंदर 30,000 तो वध लोगों के बैठन का इंतजाम है। LOC ते कोरोना काल तो पहला 30,000 तो वध लोग इस सैरेमनी देखण आउंदे सन, पर कोरोना करके जो पूरी दुनिया रुक गई उदो अटारी सरहद भी बंद कर दी गई और बीटिंग दी रिट्रीट सैरेमनी देखने आने वाले लोगों भी रोक दिता गया। हुण जो कोरोना का असर कुछ घटिया तो बंदिशां हटाई गई ने। हालांकि अजे भी अटारी सरहद एहतियातन बंद ही है, करतारपुर कोरीडोर भी बंद है, पर सैलानियों चंगी खबर है क्योंकि वड्डी गिनती अमृतसर आने वाले सैलानियों बीटिंग दी रिट्रीट सैरेमनी खिच का केंद्र होंगी है।